Guys, what's up? So today is 7 February 2018. So we should discuss about the Hindu news analysis. So mainly इसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे भी लाइव पे चैनल है जिसपे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और इसके अलावा आप यूपीआई इसमें आप फेसबुक पे ISIPS चैलेंजर के नाम से फॉलो कर सकते हैं. तो आपको पता होगा फ्रेंड्स क्या पैटर्न है जिनने भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोर टेरिटोरियल वोकैबुलरी सब्जेक्टिव एंड द न्यूज एनालिसिस एंड द प्रीलिम फोकस फैक्टर फैक्ट्स. और इसके अलावा आप देख सकते हैं एजुकेशन इज़ द पासवर्ड टू द फ्यूचर कोर्स से शुरू करते हैं. जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन एक पासवर्ड है फॉर द फ्यूचर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर. कोई भी बंदा है जो आज के टाइम पे प्रिपेयर करेगा डेफिनेटली ही विल गेट द अचीवमेंट इन द फ्यूचर. सो इसीलिए एजुकेशन को एक पासवर्ड कहा जा सकता है फ्यूचर के लिए. सो फ्रेंड्स वी हैप्पी एंड डू योर एफर्ट एज सून एज यू कैन डू. सो शुरू करते हैं फिर यहाँ से. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है एशिया एंड अफ्रीका के बारे में. तो आज यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम इजिप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सूडान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज आप यहाँ पे आज हम यहाँ पे चैड कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपको पता होगा इसकी बाउंड्री किस कितनी कंट्रीज के साथ लगती है. मेनली इसका नाम क्योंकि यहाँ पे जो रिवर थी उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया हुआ है. तो उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं 6 कंट्रीज़ के साथ लगती है, सूडान के साथ, कैमरून के साथ, नाइजीरिया के साथ, नाइजर के साथ. और इसकी जो कैपिटल है वो नर्जामेना CFA और करेंसी है CFA फ्रैंक है. तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, सो शुरू करते हैं आज के बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स के बारे में, मतलब ये है यहाँ पे मतलब कांग्रेस के बारे में और बीजेपी के बारे में मेनली डिस्कस किया गया. तो ये फर्स्ट आर्टिकल पॉलिटिकल्स के के रिगार्डिंग है. सो इसमें हमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे उसी के व्यू दिए गए हैं. अब जो सेकंड आर्टिकल है यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चर मॉडल के बारे में, मैन्युफैक्चर मॉडल के बारे में काफ़ी अच्छा आर्टिकल ये डिस्कस किया गया, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मतलब अगर हम मतलब कोई चीज़ वहाँ बाहर से, जैसे चाइना है, चाइना देखो कि कैसे मतलब अगर आप देखिए अगर कोई चीज़ आप ख़रीद लेते हैं, इस आर्टिकल में यही मेन कहने की कोशिश की गई है कि अगर आप ख़रीद लेते हैं कोई भी चीज़ बनी हुई तो उस पर कम टैक्स लगता है. और अगर इवन आप कोई चीज़ जैसे कि बनाने के लिए ख़रीदते हैं और उसको खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो वो आपको कम कॉस्टली पड़ती है. मतलब मेन पॉइंट क्या रहता है, मतलब जैसे कि चाइना जैसी बिग इंडस्ट्रीज कंट्रीज़ का, कि हम मतलब मेनली अपना मतलब जो बनाया हुआ मटेरियल है वो मतलब दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकें. तो इस आर्टिकल में यही कहने की और यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है. बाकी हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे. जो विंटर चीयर ये थर्ड आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल के बारे में आप देखें तो अभी ओलंपिक्स होने वाली हैं. आपको पता है 9 फेब को ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हो जाएंगी. और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार कोरिया में होने जा रही है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यूनिटी है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है. सो इसके लिए कुछ भी मतलब राइटर का कहना है कि अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो मतलब सपोर्ट भी होनी है, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. जैसे आपको पता ही है साउथ कोरिया तो नाम का है, अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में देखें वो तो कुछ भी कह देते हैं. उन्होंने तो वहाँ पे भी कह दिया था USA को कि मेरे पास तो हर टाइम मतलब मैं गन रख के साथ में चलता हूँ. तो जो बंदा ऐसे कह सकता है उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता. सो हमें पीछे अपनी प्रिकॉशन खुद लेके चलनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए. यहाँ पे रूस्टर ऑफ द क्वेश्चन ये है, इसमें मतलब यहाँ पे CGI के बारे में डिस्कस किया गया है कि CGI को ओवरऑल पावर दे दी गई है यहाँ पे. ये इसमें बताने की कोशिश कर दी गई है कि और भी चीज़ें इसके बारे में, इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेनली डिस्कस किया गया था कि पहले लॉ मिनिस्टर के पास होती थी अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट में जज कोई अपॉइंट होता है तो अभी ये अथॉरिटी, फिर उसके बाद CGI और साथ में और 4 जजेस साथ में गठित कर दिए गए. तो ये हो गया स्टार्ट. उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि जैसे केस भी हैंड ओवर करने हैं तो उसी के बारे में भी ऐसा कुछ गठित किया जाना चाहिए, ओनली पावर CGI के पास इन रहनी चाहिए. क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पे कई मतलब जजेस बाहर भी उतर के आए थे, उसी के बारे में इसमें मेनली डिस्कस किया गया है. सो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखें तो नेक्स्ट पेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिटेन के और ब्रेक्जिट के बारे में डिस्कस किया गया है. यहाँ पे कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ मैं ब्रेक्जिट और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, उसी के बारे में मेनली डिस्कस किया गया है. इंडिया के बारे में यहाँ पे इतना, इंडिया के लिए इतना नहीं है, पर फिर भी हमें देखना चाहिए कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो बाहर निकलनी चाहिए ब्रेक्जिट के बारे में, उसी में इन्होंने मेनली डिस्कस किया है यहाँ पे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म के बारे में जो ट्रंप जी हैं द्वारा विचार करते हुए, उन्होंने इस बार मतलब बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा मतलब कहा है कि पहली बार मतलब अभी आप देख सकते हैं कि जनवरी में इनका 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है एक्सपीरियंस के साथ. धीरे धीरे ये अभी इन्होंने पहले जैसे इन्होंने कहा था कि मैं
बाहर जा रहे हैं हम, पेरिस क्लाइमेट के जो अग्रीमेंट था उससे भी बाहर हो गए थे। फिर उन्होंने कहा था, अभी इन्होंने प्रोटेक्शनिज्म के बारे में दोबारा सिक्योरिटी करते हुए कहा है, ये एक्चुअली मेन पैसिफिक कंट्रीज़ के बारे में है, इंडिया और चाइना कभी भी कंट्रीज़ में नहीं है। तो हम इस आर्टिकल इन आर्टिकल्स को अभी वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नीचे एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि मतलब फैक्ट्स के बारे में, मतलब अगर आप देख सकते हैं नीचे एक आर्टिकल है जिसमें मतलब बताया गया है कि जो पुलिस वाले हैं उनको कहा जाता है उनको मतलब घर वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पाते, 24% को घर हो जाते हैं, ये डाटा पॉइंट उसमें दिया गया है। तो मेनली यही आर्टिकल है आज डिस्कस के करने के लिए। और ये जो ड्रेड ऑफ आर्टिकल है ये मतलब पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया, पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसमें के बारे में हमें डिस्कस करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। तो पियोंगचांग 2018 विंटर ओलंपिक्स शुरू हो जाने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि 2018 में जो ओलंपिक्स हो रही हैं ये विंटर ओलंपिक्स हैं, समर ओलंपिक्स अलग से होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए समर ओलंपिक्स कब हुई हैं, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे पियोंगचांग 2018, यहाँ पे 5 मतलब ब्रेक्जिट आपको देखते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप देखें तो 5 जो ब्रेक्जिट हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों को एक ब्रेक्जिट में कंडक्ट लिया जाता है। एक ब्रेक्जिट इसके लिए बनाया जाता है, एक एशिया के लिए, सेकंड एंड थर्ड यूरोप के लिए, फोर्थ अफ्रीका के लिए, एंड फिफ्थ वन इज़ द फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। और जो इसको नीचे अंटार्कटिका है उसको तो लिया ही नहीं जाता, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि 4-5 ब्रेक्जिट बनाए गए हैं। जो इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि अभी 9 से मतलब मेनली गेम्स शुरू होने वाली हैं, और पहली बार मतलब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को भी इसमें लिया जा रहा है, तो पहली बार वो गेम कंडक्ट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं बाकी ये सारी कंट्रीज इसमें दी गई हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बारे में मेनली कि क्या क्या गेम्स कंडक्ट होंगी उसी के बारे में। तो इंडिया के जो मतलब आगे सबसे आगे प्लेयर हैं वो लेके निकलेंगे। तो उसके बारे में अगर आप देखें तो वो HP से हैं, तो मनाली से हैं, आपको ये भी बताना चाहिए। सो इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे जरी ऑफ द जजेस, अभी यहाँ पे कलीजियम सिस्टम के बारे में मेनली डिस्कस किया गया था। जैसा मैंने आपको कहा पहले ये सारा लॉ मिनिस्टर के पास होता था, फिर उसके बाद ये सारा लॉ मिनिस्टर के पास होता था काफ़ी चक्कर। अब अगर आप देखें तो काफ़ी चेंजिंग होती रहती है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम देखें तो काफ़ी चेंजिंग होती रहती है। तो इसमें भी ऐसी चेंजिंग होती रही, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उसके बाद चेंजिंग हुई, मतलब हर किसी के पास पावर से, हर किसी को पावर से हटा दिया जाता है कुछ कुछ समय बाद। तो इसमें मतलब कलीजियम सिस्टम के बारे में आर्टिकल में मेनली डिस्कस किया गया है। अगर आप यहाँ पे कलीजियम सिस्टम के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ आपको आपको पता होगा कि 1993 तक जो सारा लॉ मिनिस्टर के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसल्टेशन होती थी इसके बारे में, उसके बाद धीरे धीरे 1993 के बाद जुडिशरी ने खुद एक मतलब सिस्टम क्रिएट कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी मतलब CJI और साथ में उसके मतलब अगर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के CJI और उसके साथ में 4 जजेस होते हैं तो वो ही अगर माने इस चीज़ को तो अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो कंसल्टेड जजेस का भी व्यू लिया जाता है कि ठीक है अपॉइंटमेंट होगी या नहीं होगी। तो अगर CJI 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और 2 कोई एमिनेंट पर्सन होते हैं, और उसके बाद मतलब इनके पास अपनी पावर होती है। कलीजियम सिस्टम में ये होता है कि जैसे कि आप देखें तो कोई भी अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र जजेज होनी हो, जैसे कि अभी पीछे केस उठ के आया था मेन, इसके बारे में ये आर्टिकल इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे बार बार, क्योंकि मतलब जैसे आप देखो कि पीछे अभी तो इसमें ये कहा गया था कि जो बेस्ट केसेस होते हैं वो जूनियर जजेस को सौंप दिए जाते हैं, मतलब ट्रंप जी के, सॉरी सॉरी ट्रंप जी नहीं, दीपक मिश्रा जी। तो उसके बारे में कि उन्होंने मतलब केस हैं वो जूनियर जजेस को सौंप देते हैं, तो ये एक सीनियर जजेस की इंसल्ट है। तो उसके बारे में कोई आउटपुट इतनी देखने को नहीं मिली, उन्होंने मतलब कहा, उन्होंने बात तो वे की कि आप अंदर ही अंदर सुलह कर लेनी चाहिए थी, 2 जजेस तो बाहर आके मान भी गए। तो कलीजियम सिस्टम में अगर आप ये यही देखें तो इसमें कलीजियम सिस्टम में यही होता है कि अपॉइंटमेंट होती है। तो वैसे इन्होंने कहा है कि मेनली मतलब जो जज केसेस हैं वो भी मतलब ऐसे ही हैंड ओवर किए जाने चाहिए, इसमें जो उसी के बारे में मेनली डिस्कस किया गया है यहाँ पे, मतलब CJI की अपनी चॉइस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ में जजेस को, अदर जो सीनियर जजेस हैं उनको भी कंसल्ट करना चाहिए उसी के बारे में, इसमें कहा गया है टैलेंटेड और जो सीनियर जजेज हैं उनके बारे में होना चाहिए, और इसी के बारे में ये चीज़ डिस्कस की गई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आर्टिकल देखें तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में 12 कंट्रियाँ थी, 12 कंट्रीज थी। तो अभी पीछे ट्रंप जी ने कहा था कि हम इससे भी बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो इसको मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि एक में लिया जाता है, तो ये मेनली जो पैसिफिक के मतलब साउथ पैसिफिक ओशियन है और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है उसके जो साथ में जो कंट्री हैं इसके बीच में जो
लिया जाता है पैसिफिक के बीच में कंट्रीज हैं, इन्हीं को ही मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए कहा गया है। इसमें ना इंडिया है ना ही चाइना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब GDP है 28.1 ट्रिलियन। तो इन्होंने मतलब कहा था कि हम बाहर हो जाएंगे, पर अदर कंट्रीज ने कहा कि ठीक है, अगर मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 1800 मिलियन कंज्यूमर जाएँ। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप मतलब काफ़ी ट्रेडशिप ट्रेड होता है आपस में। तो इसमें कहा गया था कि ट्रंप जी ने कहा था हम बाहर हो जाएंगे, इसमें मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स के रिगार्डिंग होता है, बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, 11 जाए हमें कुछ तो ठीक है, उसका फाइनेंस ज़्यादा गुड है। पर उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बाहर भी हो जाता है हम पीछे फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये 11 कंट्रीज हो गई थी, पर अभी अभी भी ट्रंप जी ने 1 साल कंप्लीट होते ही अपना मतलब एक्सपीरियंस शो किया है यहाँ पे कि हम मतलब दोबारा इसके बीच में आएंगे। तो उसी यही आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया गया हुआ है मेनली, आज इस आर्टिकल में यही डिस्कस हुआ है। तो ये आर्टिकल मेनली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ये, तो इसमें यही है कि ट्रांस पैसिफिक के बारे में डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के बारे में, जैसा कि पीछे दिया है। तो इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसा कि बताया कि इम्पोर्ट ड्यूटी है वो हमें मतलब जब हम किसी चीज़ से पूरी चीज़ खरीद लेते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पूरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। तो चाइना मतलब उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और अगर हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो उस पर मतलब ज़्यादा टैक्स सप्लाई होता है, तो और वो हर चीज़ हमें कॉस्टली पड़ती है। फिर अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि GST के बारे में भी यहाँ पे कहा देखा गया था कि बजट के बारे में मतलब यहाँ पे बजट के में यही कहा गया है। चाइनीज़ तो अभी कहा यहाँ पे कहा जा रहा था इसके बारे में, GST स्पेशली इंटीग्रेटेड GST कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमें मतलब फ़ौरन को एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे यूथफुल लेबर है 15 to 29, काफ़ी मतलब 40 मिलियन पीपल के नियर अराउंड है। तो यहाँ पे 2015-16 में जैसे बताया गया था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में काफ़ी बंदे मतलब पहले आप देख सकते हैं कि 1900 अगर आप इंडिया के बारे में देखें तो 1990 से 2000 के बीच में जो 60% पर्सन थे जो कि एग्रीकल्चर में एफर्ट करते थे, अभी आप देखें तो 49% हैं। 2011-12 का अगर हम ओवरव्यू देखें तो उसी में उसके अभी कम होने लगे हैं। तो अभी मतलब इंडस्ट्री साइड में ज़्यादा जाने लगे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के बारे में यहाँ पे हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो अगर हम खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें और रॉ मटेरियल भी खुद ही बनाएं तो उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इन फ्यूचर हमें मतलब और बेनिफिट देखने को मिलेगा। मतलब हम खुद बनाएंगे प्रोडक्ट्स तो उसके बारे में हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, ऐसे हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो हमें चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। इस आर्टिकल में यही बताने की बात किया है कि हमारा प्राइमरी जो फर्स्ट स्टेज, अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी, फर्स्ट स्टेज हमारा भी हमारी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जैसे कि हमें रॉ प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अगर सेकंड स्टेज के बारे में हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी विच इज़ द इंडस्ट्री, एंड थर्ड स्टेज जो कि हमें आउटपुट पूरा प्रोडक्ट मिलता है वो। तो हमारे पास लेबर भी है, मशीन्स भी है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी फर्स्ट स्टेज यहाँ पे आके वीक है। तो हमें अपनी फर्स्ट स्टेज को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि जैसे कि अगर हम और भी चीज़ें देखें, हमें मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल खुद मतलब ग्रो करना होगा। अगर हम रॉ मटेरियल वगैरह इतनी मतलब पॉपुलेशन है, 49% पॉपुलेशन भी अगर देखे हो आप तो 100 में से 49% पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रही है। हमें रॉ मटेरियल खुद मतलब करना चाहिए और रॉ मटेरियल खुद तैयार करना चाहिए। अगर हम रॉ मटेरियल खुद तैयार करेंगे तो टैक्स तो बाद की बात, हमें रॉ मटेरियल नहीं परचेज करना पड़ेगा। और उसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करेंगे जब मटेरियल, तो धीरे धीरे अगर आप इसके अलावा और भी चीज़ें देखें कि किसी टाइम में इंडिया में मतलब फुल भी नहीं हो पाता था कि अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर इंडिया के बारे में किसी टाइम हम देखें तो हमें पूरा मतलब खाना भी कंप्लीट नहीं हो पाता था, पर धीरे धीरे जैसे कि ग्रो किया है तो हमें मतलब एक स्टेप लेना चाहिए। इसमें आर्टिकल के में ये मेनली डिस्कस के बारे में कहा गया है कि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस चीज़ में, रॉ मटेरियल खुद मतलब आउटपुट रॉ मटेरियल खुद निकालेंगे, और इसके अलावा हमें मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इनको मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को प्रमोट करेंगे तो मतलब एक हमें आउटपुट देखने को मिलेगी कि हमें मतलब एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इससे कंट्री का रैंक और अच्छा जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ रैंक बता रही है कंट्री। तो अगर कंट्री का फिफ्थ रैंक है उसी के बारे में यहाँ पे फिर कंट्री का फिफ्थ रैंक है तो ये और भी अच्छा होता जाएगा। मतलब हमें एक पॉजिटिव व्यू तो लेकर चलना ही चाहिए और एफर्ट भी करना चाहिए। अगर हमारे पास पॉपुलेशन भी है, एरिया भी है, अगर हम खुद प्रोडक्ट निकाल भी सकते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग, हम रॉ मटेरियल लेके मैन्युफैक्चरिंग करने को दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम रॉ मटेरियल को खुद ही, मतलब अगर रॉ मटेरियल खुद निकाला जाएगा तो और बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। और इससे अभी आप देखा जाए कि जैसे अगर आप इस चीज़ में देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल, तो जो बंदे मतलब काम कर सकते हैं इनको और रोज़गार मिलेगा, और रॉ मटेरियल खुद करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी हमें खुद करनी पड़ेगी। ऐसे हमें रॉ मटेरियल कॉस्टली पड़ता है, तो जो कम कंपनीज हैं वो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। अगर ज़्यादा मतलब हमारे पास खुद का रॉ मटेरियल होगा तो ज़्यादा कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगी, और एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड, अगर आप इसमें देखें तो जब हम ज़्यादा बंदों को रोज़गार मिलेगा तो कंट्री और डेवलप होगी। हमें मतलब यही सोच के चलना चाहिए कि कंट्री डेवलप, इससे मतलब मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज से मेन रिलेशन यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल पे हमें मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और हमें फाइनिश प्रोडक्ट पे कम टैक्स देना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और हमें रॉ मटेरियल भी खुद पर अगर हम आउटपुट निकालें तो हमें और बेनिफिट देखने को मिलेगा। हर कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा, जो बंदा अनएजुकेटेड है उसको काम करने के लिए मिलेगा। तो मतलब यही माइंड सेट होना चाहिए। अभी चाइना भी क्या था, अगर आप चाइना से कोरिलेट करें तो चाइना भी किसी टाइम क्या था, इंडिया से कुछ साल ही पहले आज़ाद हुआ है, तो आज देखो चाइना कहाँ पे मतलब एक टॉप मोस्ट कंट्री को मतलब टक्कर देने की कोशिश करता है, अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश करता है, और इंडिया उसके कंपैरिजन में कितना पीछे रह गया है। तो इसमें मतलब हमें एक साइड बाय साइड पॉजिटिव थॉट लेकर चलना चाहिए। यही इसमें मतलब राइटर मेनली डिस्कस करना चाहते हैं, किया हुआ है राइटर ने, यही इसमें मेनली व्यू दिया हुआ है। इसके अलावा आज इसमें यही, और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि HIV के कोई इंजेक्शन, अभी आप देख सकते हैं कि आपको 21% हैं जो अभी यूपी में मतलब उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिला है, यहाँ पे 21% है जिनके लिए एक ही सिरिंज यूज़ की गई है, मतलब पता नहीं है, अनएजुकेटेड है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो उसके कारण HIV और इंक्रीज होता है। 21 पीपल्स को एक ही HIV है, तो एक ही मतलब सिरिंज से यूज़ किया गया है जिसके कारण HIV इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अलावा ये इसके लिए भी प्रिकॉशंस बत रहे, मतलब खुद पता होना चाहिए बंदे को, डॉक्टर कर रहा है डॉक्टर भी गलत कर रहा है, पर अपने बेनिफिट के लिए वो किसी की लाइफ तक की परवाह नहीं कर रहा। तो कुछ इंसानियत भी होनी चाहिए, और सेकंड हमें खुद भी थोड़ा लेकर चलना चाहिए कि कैसे कैसे हमें आउट, कैसे कैसे और चीज़ें हमें मतलब अपने दे बारे में ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा आप नाई के पास जाएं तब भी ब्लेड, मतलब कोई भी चीज़ जो जिससे हमारे ब्लड से रिलेटेड है, तो वो चीज़ पुरानी ना लगवाई जाए, न्यू ही लगवाई जाए। सो इसके यही चीज़ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें आज फैक्ट के बारे में, फैक्ट एक फैक्ट और था इसमें यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो, कि कैसे कैसे मतलब ग्रो, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इसमें मेनली एक आर्टिकल यहाँ पे और भी डिस्कस किया गया था मिलिटेंट्स के बारे में, उसमें दो पुलिसमैन और पुलिसमैन के बारे में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिस्टर ने अभी बताया ग्राफ देखने को मिला है कि 111 बंदे की लू है, 111 बंदों की डेथ हुई है, 822 111 बंदे, 200 822 कम्युनल इंसिडेंट हुए हैं लास्ट ईयर, ये भी एक फैक्ट बताया गया था। और अगर आप अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया में वेड टाइगर के बारे में, तो अभी इंडिया नेपाल और बांग्लादेश को सेंस उसमें कंडक्ट कराया जाएगा, और साथ में ज्वाइंटली मतलब टाइगर्स को सेव किया जाएगा, एक ही इफेक्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे डाटा पॉइंट दिया गया आज न्यूज़पेपर में सॉरी कि मतलब कितने, अगर अगर हम 2016 के हिसाब से देखें तो कितने मतलब ऑफिसर्स हैं जिनको क्वार्टरली सेंक्शन होते हैं, कितने मतलब जो ऑफिसर्स ए ग्रेड ऑफिसर्स, बी ग्रेड ऑफिसर्स, और उसके अलावा जो इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इनको हाउस ही नहीं अलॉट होता, मतलब इतना हेल्प वो करती है पुलिस, मतलब काम 24 आवर्स ड्यूटी होती है, और घर ही नहीं अलॉट हो पाता, उस आर्टिकल में भी वो भी फैक्ट डिस्कस किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कहा कि कृषि सिंचाई योजना विच इज़ द इम्पोर्टेंट, जो कि 2018 की मतलब एक यहाँ पे स्कीम है, तो इसमें यहाँ पे कवरेज बढ़ाने के लिए इरिगेशन की बात की गई है। अब हम कम पानी से ज़्यादा कवरेज कैसे बढ़ाएंगे, वाटर की एफिशिएंसी मतलब हमें इम्प्रूव करनी होगी, तो हमें सोच के चलना चाहिए पानी के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में, ताकि वाटर की एफिशिएंसी हमें इम्प्रूव करनी है। और उसके अलावा हम इसका एंड टू एंड सोल्यूशन अगर सोर्स क्रिएशन देखें यहाँ पे, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सारी चीज़ें यहाँ पे लेके चलनी होंगी। तो अगर आप यहाँ पे अगर हमें लेके चलें तो हमें, जैसे कि अभी आप इसमें देख सकते हैं कि अभी मतलब पहले होता था कि किसने लेस, जैसे हम डिप करते थे कितने लेस फूड्स पे, तो हमें मतलब पानी मिल जाता था, अभी मतलब धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, मिसयूज हो रहा है ना पानी का, मतलब फेंक के जा रहा है। अगर आप देखें तो 60 लीटर
बार्टर तो जैसे अभी पीछे न्यूज़ में देखने को मिला था, 60 लीटर बार्टर तो एक फैमिली में डेली, मतलब एक बंदा वेस्ट कर देता है डेली के डेली, जो चीज़ मतलब और पानी हमें और भी प्रिकॉशन बरतनी चाहिए। ये तो सिंचाई योजना के बारे में मेनली कह रहे हैं, अगर आप ड्रिप्स लगा के मतलब वही पानी मतलब धीरे धीरे स्लोली आए, ड्रिप्स इज द गुड सिस्टम। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कई एरियाज मतलब इरीगेशन से कवर हैं या नहीं है, उसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। और एफिशिएंसी पानी की तभी बड़े एफिशिएंसी पानी की बढ़ानी है, ड्रिप्स यूज़ कर सकते हैं और भी छोटे। यहाँ पे मतलब ज़्यादा अभी आप देखो गवर्नमेंट स्कीम्स में कई चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट को पैसे देती है अगर आपको मतलब बोर करवाना हो तो उसमें मतलब 50% गवर्नमेंट दे रही है, 50% आपको खुद पे करना पड़ता है। तो उसमें कई स्कीम्स हैं, मतलब यूज़ तो करता है स्कीम्स वगैरह, हर कोई यूज़ करने की कोशिश करता है जिसके पास पैसे होंगे। तो इसके अलावा और चीज़ें यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ानी है हमें, मतलब खुद भी हमें एक सोच के चलना चाहिए। एक अनएजुकेटेड पर्सन है उसके लिए मतलब यह अनएजुकेटेड पर्सन, अभी किसानों को पीछे मतलब ऐसी भी योजना चलाई गई थी जिसमें किसानों को समझाया जाता था कि कैसे कैसे पानी का यूज़ करना है, अगर आपके पास मतलब गंदा पानी है तो उसको भी बीच में डाल लिए ताकि जो मतलब वहाँ पे उसका किसी उसका यूज़ हो सके। तो मतलब पानी का यूज़ किया जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना है, हमें इसमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सो इसमें यही बताया गया है मेनली। और इसके अलावा यहाँ पे मैं डेली डिस्कस करता हूँ मैप के बारे में, तो मैप के बारे में हमें पता ही होना चाहिए स्टेट यूटीज़ और उसकी कैपिटल्स के बारे में, और कौन कौन से डिजर्ट हैं क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए इस चीज़ का, मैप के बारे में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसके अलावा आज के लिए इतना ही, और इसके अलावा मैं फिर यही कहूँगा, राइज अवे एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। सो वी द चेंज वट यू वॉन्ट टू चेंज इन द वर्ल्ड, सो सेव वाटर एंड सेव लाइफ। सो फ्रेंड्स ये मेरा लिंक दिया गया है मेरे चैनल का, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि जो अदर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके जिनको नहीं पता हो, क्योंकि कईयों को पता नहीं होता कि कैसे मतलब पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस हमारे डिस्कशन से किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें उसको शेयर करना चाहिए फ्रेंड्स। एंड बी हैप्पी, शेयर ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर सो दैट योर लाइफ बिकम गुड। एंड अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कोई कर रहा है, हम किसी की करेंगे, मतलब एक दूसरे पे ही सारे मतलब हमें मतलब पॉजिटिव थॉट लेकर चलना चाहिए। और इसके अलावा ये मेरे चैनल का लिंक है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिल सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, सो हैव ए गुड डे।